हेलो एवरीबाडी वेलकम टू much, थैंक पहले मैं बता दूं, मुझे बहुत मजा आया, पगलेट देख के बहुत ज्यादा मजा आया आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ यू नो आप लोग का पगलेट मोमेंट अपने रियल लाइफ में क्या है हमें हमेशा बोला जा, जाता है सोसाइटी ऐसा कहती है कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए ऐसा कभी हुआ है जहां पे आप ऑकवर्ड फील कर रहे हो मेरे साथ हुआ है क्योंकि मेरे मेरी जो विदाई हो रही थी मुझे रोना नहीं आ रहा था सब रो रहे थे और मैं हंस रही थी क्योंकि भाई मैं तो घर 15 साल पहले छोड़ चुकी थी मैं तो बॉम्बे में ही रहती थी इतने रोने वाली कौन सी बात है वापस बॉम्बे जा रही हूँ आ जाऊंगी वापस मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये रो क्यों रहे सो यू नो मेरे साथ ऐसा हुआ था आप लोग तो के साथ कभी हुआ है? Uh, it was sudden. It was in an accident. And when I went, and he and I always have spoken about death and how beautiful it is, and you know the philosophy behind it, and what it, you know the Gita says, and etc. etc. So when I went, um, my mother was in a state, and there so many people. And everybody was crying. Some people were crying even if they didn't want to cry. And uh, when I went, I just went and sat in front of my mom, and I smiled, you know. And I was smiling throughout. And everybody was like, what is yeah, this? PTSD. <laughs> and then my next door neighbor, she, I remember she called me to uh, the balcony. She's like, come here, come here, come here. She's like, you know your father's dead, right? And I said, yeah, but it's fine. And you know, that's what I'm saying. I never feel like crying. And I actually cried much later in FTI, in a classroom, actually, emotional exercise. Time but, uh, you know, you. So, there are norms of reactions, right? And anyone who doesn't, and then people read into them and they're like, Acha, maybe she doesn't, Kaisi Ladiki hai, Acha, Bilkul emotion hai. So, there's so much pressure to react in a certain way, right? Because Of perceptions and how people want you to behave, but then no, this is my emotion. Yeah, I think, I mean, I don't know if it's a bugleat moment, but you know, very similar to what Sandhya. But, but I have like, a bugleat moment जो आपके विदाई से related है। When I was a teenager, my elder sister got married. तो उसकी शादी हुई तो विदाई हो रही थी और उस दौरान वीडियो कैमरा नए-नए आए थे और मेरे में एक्टर बनने का भी नया-नया चश्मा चढ़ा था। तो तो मुझे ये लगा कि कैमरा चल रहा है। और शूट किया जा रहा है कि बहन की विदाई हो रही है भाई ले जा रहा है मुझे रोना बिल्कुल नहीं आ रहा है, खुश हो रहा था कि गई यार ये सही है अपने मस्ती है पूरा कमरा अपना तो तो मैं रोने की एक्टिंग कर रहा हूँ फॉर कैमरा कि बहन को ले जाते हुए रोने की एक्टिंग कर रहा हूँ कैमरे के लिए कैमरे के लिए और मुझे मालूम है कैमरा चल रहा है एक्टर बन रहा हूँ और तब तो खुद का मोबाइल वगैरह होते नहीं थे तो वीडियो देखने का मौका नहीं मिलता था तो अब अब जब उसकी शादी का वीडियो हम लोग देखते हैं तो दैट डेफिनेटली इज अ पगलेट एंड वेरी ऑकवर्ड मोमेंट मैं बड़ी नॉर्मल हूँ यू नो आई एम नॉट समन हु विल नॉट बिहेव इन अ नॉर्मल वे तो मैं वो जैसे संध्या बोलती कि मैं बिल्ली के रोने पे रोई तो मैं कोई मेरे सामने कुछ होगा तो मैं रो दूंगी सो आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी कि मेरे अंदर क्या ऐसा पगलेट पन है In this past one year,

नए लोगों से जुड़े रहने का और पहुंचने का यार मैं सात महीने अकेली थी घर पे और बिल्कुल लोनली नहीं थी क्योंकि एक तो मैं बहुत खुश हूँ अकेले और दूसरा क्योंकि ओ मतलब जो लोग थे जो कैरेक्टर्स के साथ मैं बिंज कर रही थी जिनको तो दैट बिकेम माई वर्ल्ड दैट बिकेम माई लाइफ यू नो और मुझे कभी लोनली नहीं लगा कि अच्छा कभी भी लगे कि अच्छा अकेले हो तो चला लिया है हाँ ना सो दैट एंड एज सो सोवो सेंग कि यार बहुत डेमोक्रेटिक मीडियम है पहले ना बहुत बहुत बार एक्टर्स जो है जो एन एस से आते एफ टी आई से आते थिएटर से आते आ, हमेशा आप वो स्टार के वहाँ तक पहुँच नहीं पाते या फिर जिनको हम स्टार समझते हैं मेन स्ट्रीम में और उसका मतलब ऐस ये मतलब नहीं है कि आपे, आप में टैलेंट नहीं है मेरिट नहीं है आप अच्छे एक्टर नहीं है या फिर अच्छे राइटर डायरेक्टर टेक्नीशियन नहीं है पर ओटीटी ने जो किया है कि अभी आप स्टार की ज़रूरत नहीं है अच्छी राइटिंग अच्छा कंटेंट, अच्छा एक्टर और अच्छे अच्छा क्रू उसकी जरूरत है और इसीलिए आप देख पा रहे कि कितनी छोटी छोटी फिल्में जो कम बजट की फिल्में हैं छोटी शोज एंड इट्स गिवन सो मेनी पीपल प्लेटफॉर्म्स प्लेटफॉर्म एक्टर्स रियली लाइक यू नो समी लाइक मी सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स इफ ओ टी टी वॉज इन वी वुड ऑल बी हसलिंग फॉर दोज

और डायरेक्शन की तरफ कम हुआ है और जिंदगी में महत्व जो होता है वो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होता है तो इसमें पहचान बनाना अवसर मिलना तो आसान है लेकिन पहचान बनाना बड़ा मुश्किल काम हो गया क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है साढ़े सात अरब की आबादी है और जो प्लेटफॉर्म होते हैं तो उनके बीच में पहचान बना लेना अपने आप में बहुत जद्दोजहद का काम हो गया यू यू नो नो लाइक शायनी वाज़ सेइंग कि you know, हम इतने फीमेल प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे शो इतना अच्छा कंटेंट निकल रहा है ओटीटी पे बट बैकलैश भी उतना ही आ रहा है आपने देखा होगा कि बॉम्बे बॉम्बे uh बेगम के साथ क्या हुआ तांडव के साथ क्या हुआ वेर आर वीडिंग वॉट डू यू थिंक इज हैिंग एंड वाई इज इट है क्या है इसमें जब समुद्र मंथन का दौर होता है तो अमृत के लिए हुआ था अमृत कब निकला था सबसे अंत में तो सोसाइटी uh, में मंथन होता रहता है बहुत सी चीज़ें आती हैं और सेल्फ uh, सेंसरशिप है और अब तो सेंसरशिप uh, का प्रावधान है तो मुझे लगता है कि uh, चीज़ जब नया कोई माध्यम आता है तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी निकल के आती हैं तो जो कि मैंने अपने इस प्रश्न के पहले ही आपको बता दिया था कि हम स्पीड की तरफ ध्यान दे रहे हैं हमें डायरेक्शन की तरफ ध्यान देना होगा आई रियली सॉरी आई थिंक वी आर डूम्ड एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स डूम Um, I can't sugarcoat it. It's, it's bizarre what's happening, and there should not be censorship in art. And it is just not done. And um, yeah, it's wrong. ज नो टू वेज अबाउट इट मैं भी ये कहना yeah. चाहूँगा कि सेंसरशिप एक मेच्योर डेमोक्रेसी में तो सेंसरशिप की जरूरत नहीं होती है लेकिन अभी हमें मेच्योर होने में वक्त है और वो मंथन चल रहा है और उस मंथन में और अगर सेंसरशिप होनी है तो हर चीज में होनी चाहिए आइसोलेशन में नहीं होनी चाहिए और हर सेंसरशिप का क्राइटीरिया भी होना चाहिए कि कोई एक कम्यूनिटी व्यूइंग होती है सिनेमा एक सोलो व्यूइंग होता है ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स और टेलीविजन एक फैमिली व्यूइंग है तो इन तीनों के लिए अलग अलग प्रावधान होने चाहिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर आंसरिंग माई लास्ट क्वेश्चन थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय।